खाद्य सुरक्षा विभाग अब आइसक्रीम और ठंडे तरल पदार्थों के भी सैंपल ले पाएगा, क्योंकि अब विभाग ने अपने कार्यालय में फ्रिज लगा लिया है जिसमें बाजार से सैंपल लेकर रखा जा सकता है। पहले अगर ये सैंपल लेते थे तो उसमें से ज्यादातर खराब हो जाते थे। इसी वजह को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा ये कदम उठाया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिला में ये पहला विशेष तरह का फ्रिज लगाया गया। ये जानकारी खाद्य सुरक्षा सहायक नियंत्रक एलडी ठाकुर ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि कोल्ड बॉक्स न होने के कारण फील्ड से सैंपल लाना भी एक बड़ी समस्या थी, लेकिन अब यह समस्या समाप्त हो गई है। खाद्य सुरक्षा सहायक नियंत्रक एलडी ठाकुर ने बताया कि सोलन में आइसक्रीम और फ्रिज्ड पदार्थों के सैंपल नहीं ले पाते थे। अगर लेते थे तो उन्हें कार्यालय और लैब तक पहुंचाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन अब FSSI द्वारा उन्हें दो फ्रिज दिए गए हैं, जिसमें से एक फ्रिज बैटरी पर चलता है और उसे वाहन में रखकर फील्ड से सैंपल कार्यालय लाए जाएंगे और फिर उन्हें कार्यालय में बड़े फ्रिज में रखा जाएगा। उसके बाद उन्हें लैब में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि कई बार इनके सैंपल बगैर फ्रिज के खराब हो जाते थे, लेकिन अब ये खतरा टल गया है। वे अब किसी भी तरह के सैंपल बाजार से एकत्र कर सकेंगे। जो भी हम फील्ड से सैंपल कलेक्ट करते थे तो कुछ जो पेरिशेबल आइटम्स थे या फ्रोजन आर्टिकल है, जो जैसे किसी कोई आइसक्रीम का सैंपल लेना है या फ्रोजन मटर का सैंपल लेना है, कोई फ्रोजन मीट प्रोडक्ट है, तो ऐसे प्रोडक्ट का सैंपल अगर हम फील्ड से लेते थे तो वहां से उसको लेबोरेटरी तक कैरी करना और उसके बाद जो फूड बिजनेस ऑपरेटर को अगर वो फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो दूसरी लेबोरेटरी में भेजने तक उस सैंपल को प्रिजर्व रखना जरूरी होता था, जो पहले हम नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे पास कोल्ड चेन नहीं थी। तो FSSAI ने हमारे को एक कि जहां से भी आपने सैंपल लेना है वहां से लेबोरेटरी तक पहुंचाने और उसको अपने ऑफिस में स्टोर करने के लिए फ्रिज और एक मोबाइल यूनिट दिए हैं जो बैटरी ऑपरेटेड हैं। तो हम जहां से सैंपल लेंगे उसको उसी टेम्परेचर में हम अपने उस कोल्ड बॉक्स में रख के उसको हम लेबोरेटरी तक पहुंचा सकते हैं और जो सैंपल हमारे पास तीन पार्ट जो बच जाते हैं उसको हम टेम्परेचर कंट्रोल एटमोसफेयर में रखने के लिए तीन तीन फ्रिज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ने FSSAI ने दिए हैं। तो वही सोलन में भी हमने फ्रिज अभी इंस्टॉल यहाँ कर दिए हैं। तो अब जो भी कोल्ड चेन से रिलेटेड समस्या थी वो दूर होगी।